सास भी कभी बहू थी, फूफा भी कभी दामाद था, और बीजेपी भी कभी आज की कांग्रेस थी। एनालिसिस इसी पर है दोस्त, या फिर हालत उससे ज्यादा खस्ता थी, ये तो एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा। देखो, एक सवाल लगातार आपके मन में आता है कि क्या कांग्रेस बचेगी भी। ये सवाल आपके मन में आता है तो गलत आता है, इसका जवाब आगे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चैनल है, उसके एक बेहद अनुभवी महिला पत्रकार नविका हैं, लाइव शो में उनके मुंह से राहुल गांधी को गाली दे देती हैं, कहती हैं गलती से निकल गया, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व को लेकर के क्या क्या सोचा जा रहा है। अंजना उनका शब्द हल्ला बोल, उनका कार्यक्रम देख लीजिए, आपको कांग्रेस हमेशा बेचार ही नजर आएगी। मुझे समस्या दो बातों से है। पहली कि देखो यार, कांग्रेस के इस संकट को ऐसे दिखाया जा रहा है कि मानो कि ये पहली बार किसी पार्टी के साथ हो रहा है, और दूसरा कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करिए। देखिए, आपके मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि देखो, आने वाले टाइम में जो कांग्रेस है ना, उसकी सिचुएशन तो बहुत खराब होने वाली है। सारे नेता जाते जा रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चले जा रहे हैं, कहीं से चुनाव जीतते नहीं है। अब ले देखे सरकार बची इनकी पंजाब में, दो जगह छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, बाकी हर जगह इनका सुपड़ा ही साफ है। ये तो मतलब गई कांग्रेस, अब तो बात बेकार होने वाली है, यानी कि पैकअप होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी कलहा बढ़ गई है कि देखिए, कांग्रेस के नेताओं के अंदर G23 बन गया है। बताओ, ऐसी नाराजगी आला कमान से नाराजगी के बाद ही G23 बना है, देखिए इतना बुरी हालत है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा मजबूत नेता कांग्रेस को छोड़ करके चला गया, अब सोचिए इतना बुरा हाल कांग्रेस का है तो भैया इसका भविष्य है बिल्कुल खराब। अब यही सारी बातें आप लोग ने सोचना शुरू किया है, और ये तथ्य ठीक है अपने आप में, लेकिन मेरा RNA तो यहां से शुरू होता है दोस्त, जो आपको क्लियर पिक्चर देने जा रहा है। देखिए, 2004 से 2014 के बीच 10 साल तक जब भाजपा विपक्ष में थी, तो क्या वो आज की कांग्रेस की तरह थी या स्थिति उससे ज्यादा बदतर थी, ये अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, भाजपा विपक्ष में थी तो उसके साथ क्या हो रहा था, जो आज कांग्रेस के साथ हो रहा है भाजपा के भी साथ वही होता था, यानी कि जो इतिहास है वो दोहरा रहा है। देखो, बीजेपी विपक्ष में रहते हुए भाजपा कई बार टूटी है, कई बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर के गए हैं। भाजपा ने शाइनिंग इंडिया के नारे पर चुनाव लड़ा, यह बिल्कुल तय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तो वो प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, यह बिल्कुल तय था। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार चली जाती है, सत्ता में नहीं आती है, वाजपेयी की कमान में भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन उनकी जगह लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी कमान सौंप दी गई। ये अपने आप में अलग कहानी है कि इसके साथ ही बहुत बड़ी समस्या शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही चुनाव 2004 में बीजेपी हार जाती है, तो उमा भारती ने जो किया वो अभी भी कांग्रेस में नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, भाजपा के विपक्ष में जाने के बाद पहला संकट सबसे पहले आपकी हिंदी पट्टी यानी कि मध्य प्रदेश में आया था। दो तिहाई बहुमत के साथ जब उमा भारती जीती थी, तो एक आपराधिक मुकदमे के नाम पर पद से उन्हें हटा दिया गया था, और उन्होंने भाजपा तोड़ करके अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जनशक्ति पार्टी थी। भाजपा के विपक्ष में आने के ठीक 2 साल अप्रैल 2006 में उमा भारती ने यह पार्टी बना ली थी। अभी तक कांग्रेस में यह देखने को नहीं मिला है किसी नेता ने मुंह पर आकर के राहुल गांधी के साथ बदतमीजी की हो या उनको अपमानित महसूस कराया हो, लेकिन उमा भारती ने भरी सभा के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी से बदतमीजी की थी और उनको अपमानित करके बाहर निकाला था, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन मुझे कांग्रेस में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें अच्छा बुरा मत देखिएगा, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सब अंतर्कलह हमेशा से हर पार्टी के अंदर चली है। 3 सितंबर 2006 में झारखंड में भाजपा टूटती है, मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से अलग होकर के अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन कर लिया था। भाजपा से अलग होने वाले तीसरे बड़े नेता कल्याण सिंह, जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को त्याग दिया और निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब दिसंबर 2012 में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने भाजपा को तोड़ करके कर्नाटक जनता पार्टी का गठन कर लिया।
उनके इस पार्टी की वजह से ही भाजपा 2012 का विधानसभा चुनाव हार जाती है और पूर्ण बहुमत की कांग्रेस वहां सरकार बना लेती है। तो ये तोड़ फोड़ जाना आना तो हर नेता ने हर बार किया है, तो यहां पर भी लगातार चल रहा है। बीजेपी का सबसे फेमस किस्सा जो कि जिसमें आडवाणी जी को पीएम नहीं बनने दिया जाएगा और आरएसएस लगातार इसी कोशिश में रहा और वो सफल भी हुआ, ये किस्सा आपको पता होगा। भाजपा के विपक्ष में आने के तुरंत बाद लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना को सेक्युलर नेता डिक्लेयर किया था। उसके बाद भाजपा और आरएसएस ने कैसी जंग छिड़ी ये किसी से छुपा नहीं है। वह भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय रहा था जब बहुत बेआबरू होकर के आडवाणी पार्टी अध्यक्ष से हटाए गए थे। राजनाथ सिंह ने पार्टी की कमान संभाली थी लेकिन सियासी ड्रामा अभी भी चल रहा था। जैसे आज कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 है, वैसे ही राजनाथ के कार्यकाल में आडवाणी के करीबी नेताओं के समूह D4 ने वही किया था जो आज G23 कर रहा है। नितिन गडकरी को अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं मिला उसके लिए पार्टी के अंदर साजिशें रची गई थी। गोवा में आडवाणी जी ने मोदी को रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये बातें किसी ने नहीं छुपी हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा गोवा में हुआ क्या था और आरएसएस ने क्या खेल किया था। ये सारी बात कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जो अपनी आंतरिक कलह हैं, कलेश हैं, झगड़े हैं, नेताओं का नाराज होकर पार्टी छोड़ जाना, पार्टियों का टूटना एक स्वाभाविक राजनीतिक सतत प्रक्रिया है, उसका यह हिस्सा है। अगर कोई नेता पार्टी छोड़ देता है तो पार्टी तोड़ देता है तो उस नेता के आप आचरण पर सवाल उठाइए। इस आधार पर पार्टी के नेतृत्व का आकलन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए आंतरिक मतभेद का सवाल तो यह है कि साहब ये वही हो सकता है जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र बचा हो, ये होने का सबसे बड़ा सबूत है। और जहां कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, विवाद नहीं है, सब कुछ जी हां चल रहा है, इसके दो मतलब होते हैं। या तो उस पार्टी में एक व्यक्ति का एकाधिकार हो चुका है या फिर वहां से लोकतंत्र टाटा बाय बाय करते हुए सीधा अमेरिका निकल गया है। अंदरूनी लोकतंत्र सभी पार्टियों में शून्य को छूता जा रहा है लेकिन यही प्रवृत्ति बाहरी लोकतंत्र पर भी हावी हो गई है। तो हमारी पार्टियों की इस नेता शाही को तानाशाही में बदलते देर नहीं लगती है। कुछ डिसीजन में कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आती हैं, जब कुछ निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे थे तो बाहर से दरवाजा बंद करने की बात भी सामने निकल के आई थी। यहां मैंने पक्ष ना बीजेपी का लिया है ना ही मैंने कांग्रेस का लिया है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये जो कलहा है ये सिर्फ कांग्रेस में हो रही है, ऐसा गलत है क्योंकि ये कलहा बीजेपी के साथ भी हुई थी और जब राजनीतिक संकट होता है तो ऐसे सुर हमें और आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों को जागरूक करने में आप मदद करेंगे, I9 न्यूज इंडिया की मेहनत को थोड़ी सफल करेंगे। चलिए मिलकर के करते हैं कोशिश, चलो इसको आप 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। I9 न्यूज इंडिया के जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।